बहुत व्यस्त लग रही हूँ। जाओ जाकर थोड़ा जल ग्रहण कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक। पैकेट दूध में थोड़ा थोड़ा करके चूने का पानी मिलाओ ताकि 60 लीटर दूध 70 लीटर बन जाए। ये देखो, बता सकते हो इसमें कुछ मिलाया है? मिलाओ मिलाओ। बहुत बढ़िया। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे? लोग आप पे भरोसा करके आपसे दूध खरीदते हैं और आप उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए? जिस दूध में आप अंधाधुंध मिलावट कर रहे हैं वो दूध बच्चे भी पीते हैं, इस बात का ख्याल है आपको? अभी पुलिस को फोन करती हूँ मैं। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सर, पता नहीं ये कहां से आई है, आकर हंगामा कर रही है। मैं हंगामा कर रही हूं? ये दूध पी के दिखाइए। पीजिए। क्या हुआ, आप अपनी कंपनी का पौष्टिक दूध नहीं पी सकते? कैल्शियम, विटामिन और चूने से भरा, पीजिए ना। आप मालिक है यहाँ के? जी हाँ। देखिए क्या चल रहा है, दूध में चूना मिलाया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और इनको बात करते हुए सुना है कि 60 के 70 पैकेट कैसे बनाने हैं। ऐसे मुनाफा कमाते हैं? सर ये झूठ बोल रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। अब यहाँ किस काम से आई है? मैं तो यहाँ अपने बेटे को नौकरी लगवाने के लिए आई थी। मेरे पास आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं था तो रिसेप्शन पे मुझे अंदर आने के लिए मना कर रहे थे। अब तो पक्का मिल गई आपके बेटे को नौकरी है। चलिए बहुत हो गया तमाशा आपका, ये हमारा प्राइवेट प्रेमाइसेस है, बाहर निकलिए। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा इनको, एवरीथिंग इज ओके। हां कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको यहाँ। चलिए एक सेकंड, किसको नौकरी पे रखना है किसको नहीं हम डिसाइड करेंगे। ये तरीका है तुम्हारा कंपनी को मुनाफा कराने का, मेरे पीठ पीछे दूध में मिलावट करके? सर आप कहां इस अनजान औरत की बातों में आ रहे हैं? ये अनजान नहीं है, मैं जानता हूं इन्हें। ये सविता जी सुख सागर नमकीन वाली निरंजन जी की पत्नी, अगर इन्होंने कहा है तो इन्होंने सही कहा होगा, इसलिए निकल जाओ अपने आदमियों के साथ। दरवाजा उस तरफ है। मुझे जानते हैं? जी सविता जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ज्वाला सिंह, कई सालों पहले मैं अपने बेटे के साथ आपकी दुकान पे दूध देने के लिए आया करता था। ज्वाला दूध वाला? एक बार मेरे बेटे को परीक्षा देने के लिए इंदौर जाना था और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। तो आप इन्हीं पैसे देकर उसकी मदद की थी और उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। और हाँ सविता जी, आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी बेटी की नौकरी पक्की समझिए। अच्छी कल कभी व्यर्थ नहीं जाती सविता। जय हो मैया की, आप तो चमत्कार पे चमत्कार किए जा रही है। क्या सोच विचार करके सही जगह भेजा आपने मुझे? मैंने कुछ नहीं किया सविता, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। तुमने अपने संपूर्ण जीवन में जितने भी लोगों का भला किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। पता, मुझे तो याद भी नहीं था कि सालों पहले मैंने इसकी मदद की थी।
और सोचा भी नहीं था कि ये मेरे काम आएगा। निस्वार्थ मन से किए कर कभी व्यर्थ नहीं जाता सविता। उद्देश्य बड़ा हो या छोटा ये महत्व नहीं रखता, महत्वपूर्ण है उसके पीछे छिपे मन के भाव है। नहीं माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज आप घर चलो, आपके लिए मालपुए बनाऊंगी। चलो माँ, ये खबर सबको सुनाते हैं। नहीं सविता, तुम जाओ। ठीक है। ओहो, इसे भी अभी टूटना था। हेलो आंटी। प्रीति यहाँ क्या कर रही है? मम्मी, वो माया भाभी के पैर में ना चोट आ गई थी, तो प्रीति ने मेरी हेल्प की उन्हें घर तक लाने के लिए। भाभी आराम से। क्या हुआ माया? मम्मी आज प्रीति नहीं होती ना, पता नहीं क्या होता। जान बचाई है इसने आपकी बहू की। अरे क्या भाभी, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। नहीं नहीं प्रीति, तुमने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई है, बहुत बड़ी बात है मम्मी। शुक्रिया। इट्स ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। भाभी अपना ख्याल रखना। माया तू ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी अभी ठीक है। वैसे भी कल सुबह ना प्रीति आने वाली है, वो मुझे एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाने वाली है। बोल रही थी कि उससे आराम हो जाएगा। क्यों, वो क्यों लेके जाएगी? हम सब है ना यहाँ पे। माना कि उसने तुम्हारी जान बचाई है, भगवान उसका भला करे, लेकिन उससे दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है। तो उसके साथ नहीं जाएगी? हाँ मैं हूँ ना भाभी, मैं लेके चलूंगी आपको। हाँ ये ठीक रहेगा, देवरानी जेठानी चली जाना साथ में, और आते वक्त गोलगप्पे खाते हुए आना। हाँ अच्छा, मुझे एक धमाकेदार खबर देनी है सबको। रोहित कहाँ है? रोहित को बुलाओ। रोहित क्या हुआ? क्या हुआ माया, तुमने दूसरी टांग भी तोड़? नहीं ठीक है, तो क्यों चिल्ला रहे हो मम्मी? What happened सासुमा? रोहित की नौकरी पक्की हो गई है। हाँ हाँ, मैं तेरी नौकरी की बात पक्की करके आई हूँ। सासुमा, my God, आपने तो माँ होने की हद ही पार कर दी। बेटे का इंटरव्यू भी दे आई और नौकरी भी पक्की कर दी। अरे मम्मी कहां पर, कौन सी जगह पे लगी ये तो बताओ पहले। हाँ अरे वो ज्वाला दूध कंपनी है ना, बस वहीं पे तेरी नौकरी पक्की करके आई हूँ मैं। ज्वाला दूध? अरे इनमें कौन सा ज्वाला दिख गया उनको जो नौकरी दे दी। जी जी ये सब माँ की वजह से हुआ है, जब माँ का हाथ सर पे होता है ना तो ऐसे ही काम बनते जाते हैं।
और तेरी सैलरी पता है कितनी है? 30,000 रुपए। बस 30,000? इतनी कम? ओ भाई, तुम कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पास आउट नहीं हो जो लाखों की सैलरी मिल जाएगी। बेटे तो शुरुआत तो कर ले, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। माया अब तो खुश हो जा। हाँ हाँ मम्मी, कुछ तो शुरुआत होगी, घर में खाली बैठने से तो अच्छा ही है। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। हाँ सस्ते में नहीं निपटाएंगे, पार्टी चाहिए है कि नहीं भाभी? हाँ भाई, एक सैलरी आ जाने दो, इनकी परफॉर्मेंस देख के पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओ जीजे, आईएएस वाली परफॉर्मेंस दूंगा समझे ना। हाँ हाँ पार्टी तो बनती है, मैं अभी जाके तैयारियां शुरू करती हूँ। अरे कहीं श्रेया को मुझ पे शक ना हो जाए कि मेरे पैर में चोट नहीं लगी। थैंक यू मम्मी, पर आपने ये सब कैसे किया? कहा ना, ये सब माँ की कृपा है। अब बस तू ना ईमानदारी से काम करना और अपनी माँ से वादा कर कि तू कोई भी चालबाजी या शातिरपना नहीं करेगा। हाँ आप फिक्र मत करो, 500 रुपए दो। 500 रुपए? अरे वो अभी वैभव ने कहा ना कि पार्टी करते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आता हूँ सबके लिए। ठीक है। थैंक यू मम्मी। नई चप्पले बाद में ले लूंगी, फिलहाल उसी से काम चला लेती हूँ। माँ आप अपने भक्त सविता जी को इस बात का आभास क्यों नहीं करा रही हैं? उन्होंने जो आशा अपने पुत्र से कर रखी है वो उचित नहीं है। सविता जी क्यों नहीं देख पा रही कि उनका पुत्र रोहित लोभ से ग्रसित है? वह कहीं लोभ की वजह से अनुचित कार्य न कर दे जिसके परिणाम स्वरूप ये परिवार फिर से समस्याओं से घिर जाएगा। माँ गांधारी को भी ज्ञात था कि धर्म के मार्ग पर तो केवल पांडव ही चल रहे थे, किंतु उसने अपने आंखों की पट्टी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही खोली थी, जब उसे अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र समान सशक्त करना था ताकि कोई भी अस्त्र उसके पुत्र को हानि न पहुंचा सके। माँ का हृदय सदैव अपने संतान की भलाई देखता है, परंतु कभी कभी मोहवश वह यह नहीं देख पाती कि उसके संतान की भलाई किस दिशा में है। सविता को भी इसी मार्ग पर चलकर अपने मुंह को वश में करना सीखना होगा और अपनी आंखों से इस अंधकार की पट्टी को स्वयं उतार फेंकना होगा। केवल मेरे बताने या सिखाने से वो इस क्षण कुछ नहीं समझेगी। मुंह में फंसे तो आप भी हैं माँ, अपने प्रिय भक्त सविता जी के, इसलिए तो आप भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ माँ। नहीं नहीं, आपके पिताजी ने नेक दिया था शादी में जीजा का, अब नहीं चाहिए। अरे ये आपके लिए नहीं, ये मैं किसी और काम के लिए दे रही हूँ, लीजिए। अरे नहीं नहीं, आपके पैसे बादाम भी नहीं खरीदूंगा मैं, सासू माँ जानेंगी तो डांटेंगी। सुनिए तो, ये आपकी मतलब हमारी, हम दोनों की सासू माँ मम्मी जी के लिए दे रही हूँ। उनकी सैंडल टूट गई है और नया तो वो खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि खुद पे तो खर्चा करती ही नहीं है। यस यू आर राइट, सासू माँ तो अपने लिए कभी सोचती ही नहीं, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आप सबसे पहले सासू माँ के लिए सोची। अब देखिएगा कितना मजबूत सैंडल लाएंगे, लंबी चलेगी। हाँ। क्योंकि इस घर के लिए सासू माँ का लंबा चलना बहुत जरूरी है। थैंक यू थैंक यू। पापा
एकदम कमाल की चॉइस है गुरु, मस्त सासू माँ पे जचेगी, बजट में भी है। ए भाई पैक कर। सुन वीडी वीडी, क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे तुम दो दिन से कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहे, वीडियो कॉलिंग कर रही हूँ, अटेंड नहीं कर रहे हो। मुझे लगा कि 18 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ शॉपिंग कर रहे हो। हाँ वो घर का कुछ जरूरी सामान लाना था ना, इसीलिए शॉपिंग करने आ गया। ऐसे हम 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, टफ है ना। अच्छा क्या जरूरी सामान दिखाओ। हाँ? नहीं, नहीं। लेडीज चप्पल, ये लेडीज चप्पल किसके लिए खरीदने आए हो? जाहिर सी बात है कि लेडीज चप्पल है तो किसी लेडीज के लिए ही ली होगी ना। मैं आपको ऐसे बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं पकड़ा गया तो अर्ज किया। मूड हो तो मुलाजा फरमाइए। बड़े बड़े दाग भी पानी से धुल जाते हैं, छोटे छोटे राज कभी कभी खुल जाते हैं। कैसा राज? सरप्राइज सरप्राइज। अरे ये चप्पल मैंने तुम्हारे लिए ही तो लिया था, इसीलिए मैं आपको फोन नहीं उठा रहा था कि मिल के गिफ्ट दूंगा, लेकिन आप हो कि पूरा सरप्राइज का मूड ही ऑफ कर दिया। ये चप्पल आपने मेरे लिए खरीदा? बहुत क्यूट हो तुम, अभी पहन के ट्राई करूं? अरे नहीं नहीं अभी क्या। अरे यार ये सासू माँ की चप्पल यही गंदे कर देगी, उन्हें कैसे दूंगा? बहुत सुंदर है। सुंदर है लेकिन आप पे सूट ही नहीं कर रहा। अब यही पहन के जाती हूँ। अरे नहीं नहीं साइज परफेक्ट है, लेकिन उतारो उतारो, तुम पे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे लेकिन मुझे पसंद है। अरे बहुत सुंदर है, पुराने जमाने का लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसको उतारो, इसको उतारो, बिल्कुल अच्छा नहीं। इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज करके दूसरा लेते हैं। हाँ हाँ अरे बीडी, अरे दूसरा लेते हैं ना। ए भाई श्रेया, मुझे पता है तुम्हें खराब लगा, पर आई एम रियली सॉरी एंड आई प्रॉमिस मैंने प्रीति को नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा, वो माया भाभी को चोट लगी थी, वो सच में उनकी हेल्प करने के लिए आई थी, मैंने सच में नहीं बुलाया। अच्छा श्रेया सुनो ना, मूड खराब मत करो, आज देखो पार्टी का माहौल है, खुशी की बात है ना, रोहित भैया को जॉब मिली है, तो प्लीज देखो क्या लेकर आया तुम्हारे लिए, कोई भी रंग नहीं छोड़ा है मैंने। अच्छा बताओ तुम्हारी खिदमत में कौन सा पेश करूं? ये पी लो और दिमाग एकदम ठंडा कर लो। अच्छा नहीं ऐसे क्यों, तुम्हें अच्छे से बिठाते हैं ना। अरे वहीं पे ही बैठ जाना ना तुम, लो ये पिला दे। तुमने किया ये? रुको तुम, हम स्टूपिड, इतना समझा क्यों रहे हो कि प्रीति यहाँ क्यों आई थी? वैभव, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। क्या हुआ? बाकी सब तो ठीक है, तुम्हें तुम्हें मुझे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या है कोई चीज? पहले बोलो कि मना नहीं करोगे। अरे पर है क्या,
अरे प्रॉमिस तो करो। प्रॉमिस मैं करूंगा, बताओ। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढूं तो वो तुम करोगे। तुमने प्रॉमिस किया है कि मना नहीं करोगे। करूंगा। थैंक यू। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? ये कि श्रेया, माया भाभी और रोहित भैया को सॉरी बोल दो ना। देखो, तुम सॉरी बोलोगी तो छोटी तो नहीं हो जाओगी, और तुम्हारी ये बोलने से उन्हें अच्छा लगेगा, घर का ना क्लेश खत्म हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। प्लीज। वैभव गलती की होती तो मैं 100 बार माफी मांगती। तुम जिसे कहो उसे सॉरी बोलती, लेकिन अगर मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सही हो और तुमसे बात करने में कार है। श्रेया, तुम्हें जो मन में है तुम वो करो। Let it be.